वेलकम बैक गाइस। तो हम लोगों के लिए और एक आ गया है नया चैलेंज, और चैंपियन क्वालिफायर चैलेंज है इस चैलेंज का नाम। तो चलिए देखते हैं इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। और ये जो बेस है, मैंने बहुत बार इसमें अटैक करके जो है तोड़ निकाला हूँ। मतलब इजी सा बेस दिखने को लगता है, मगर उतना ईजी नहीं है। मैक्सिमम टाइम जो ये बेस है टाइम फेलियर हो जाता है। तो आप लाइटनिंग और अर्थक्वेक स्पेल के मदद से टाउन हॉल को एक्टिवेट करके ये दोनों बिल्डिंग डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो है फ्लेम फिंगर को छोड़ देंगे टाउन हॉल के लिए, और क्वीन है क्वीन के मदद से ही जो अपना वार्डन है इसको डिस्ट्रैक्ट करके इस तरफ लेके आना है 6 o'clock की तरफ। और एक जायंट है उसको छोड़ के अपना क्लैन कैसल जो है ना वो लोअर करना है, और अपना पॉइजन की मदद से जो क्लैन कैसल है वो उसको टेक डाउन करना है। ये पहला स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में अपना आउटसाइड फनल हो जाएगा क्वीन और अपना किंग और अपना विचेस के मदद से, और सुपर विच जो है वो स्पैम कर देंगे कोर पे। अपना क्लैन कैसल जो है वो डाउन हो चुका है, और हमने किंग जो है उसको लगा दिया है आउटसाइड फनल के लिए। पीछे सपोर्ट के लिए हमने विच छोड़ दिया है, और अपना सुपर विचेज जो है उसको स्पैम कर दिया कोर पे। और अभी फ्रीज करेंगे अपना स्केटर को, और मतलब जहाँ जहाँ स्पीड रहता है नेट उस जगह पे हम लोग अपना जो है फ्रीज डालेंगे, ताकि जो है और आउटसाइड का जो फनल है बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और किंग जो है जिस पार्ट में जाएगा, और वॉल जल्द से जल्द तोड़ने के लिए हम लोगों का जो रेस पेर है इस जगह पर हम यूज़ करेंगे, ताकि वॉल जो है हम लोगों का तोड़ दे जल्द से जल्द। और जंप स्पेल जो है ये थोड़ा आगे वाले पार्ट में यूज़ करेंगे, ताकि जो ईगल का जो पार्ट है वो भी हम लोग ओपन कर सके। और इस तरह अभी रॉयल चैंपियन पे हम लोगों ने होल्ड रखा है, और बलून और जो बेबी ड्रैगन है इस कोने पे हमने डाल दिया था कि थोड़ा कोने पे बूस्ट मिल जाए, हम लोगों को सपोर्ट मिल जाए। और अभी रॉयल चैंपियन की बारी है, तो रॉयल चैंपियन ये थी जब जो निकल जाए क्लैन कैसल से, तब ही अपना रॉयल चैंपियन जो है वो छोड़ देना है। और एक हेड हंटर रहेगा, इसको छोड़ देना है क्वीन के ऊपर। यह बहुत सारे स्केलिज स्पेल है और स्केलिज है, और क्वीन जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट करेगा बहुत, इसीलिए हम लोगों का जो है हेड हंटर इसको सपोर्ट देने के लिए। बाकी का बेस जा रहा है धीरे धीरे, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और टाइम फेलियर देखने को मिला बहुत बार इस बेस में। तो आप थोड़ा जल्द अटैक कीजिए, और थोड़ा दो तीन बार करने से इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये बेस लगता है इजी देखने में, मगर थोड़ा टफ सा ही बेस है। तो गाइस ऑलमोस्ट बेस ख़त्म होने को आया है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी तरह ये बेस 3 स्टार हो चुका है। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।